वेबसाइट का कंटेंट लिखते वक्त समटाइम कुछ ऐसे करेक्टर भी आ जाते हैं जो कि या तो लैंग्वेज में सपोर्टेबल ही नहीं होते, या फिर एचटीएमएल के अंदर वो रिजर्वड होते हैं एचटीएमएल के अपने टैग्स के लिए। मिसाल के तौर पर आप ये देख सकते हैं, एक स्पेशल डॉट एचटीएमएल फाइल मैंने ओपन की हुई है, ये आपको एक्सरसाइज फाइल में मिल जाएगी। इसके अंदर आप देख सकते हैं H1 है, H2 है, P है, H3 है, P है। P टैग के अंदर आप देख सकते हैं कुछ करेक्टर, कुछ टेक्स्ट वो रेड कलर का दिया हुआ है, वो इसलिए वो एडिटर टूल जो ब्रैकेट्स है वो ये समझ रहा है कि ये जो लेफ्ट एंगल ब्रैकेट है ये किसी टैग के लिए स्टार्ट के लिए यूज़ की थी और टैग क्लोजिंग मिसिंग है या टैग पूरा नहीं लिखा गया। इस एडिटर की खूबसूरती है कि जहाँ इसको एरर महसूस होती है वहाँ ये रेड कलर का टेक्स्ट कर देता है। कुछ टूल ऐसे होते हैं वो रेड कलर अलर्ट नहीं करेंगे, उसको एज इट इज़ रेंडर कर देंगे। इसको आप सिंटेक्स एरर भी कह सकते हैं या कोड आउटपुट एरर भी कह सकते हैं। इसको मैं सेव करता हूँ, आउटपुट चेक करता हूँ इसकी। देख सकते हैं कि एज इट इज ही रेंडर हुआ है, लेकिन ये क्योंकि ये क्रोम खूबसूरती है इसको एज इट इज रेंडर कर जाता है, लेकिन ये एक गलत तरीका है। इस चीज़ से बचने के लिए ताकि कोई भी आउटपुट पे इन फ्यूचर ये कुछ चीज़ डाटा में डिस्टॉर्शन पैदा ना करे, कोई डाटा ख़राब ना करे, आउटपुट में कोई एरर ना आए, हम इसके कोड के अंदर जाके इसके लिए एक स्पेशल कैरेक्टर होता है कि कोई भी जब की रिजर्व एंटिटी अपने शो करनी हो तो उसका लिखने का तरीका ये होता है कि आप उसकी जगह पे एम्परसेंड का निशान, एंटिटी नेम, जैसा कि लेफ्ट एंगल ब्रैकेट है तो उसके लिए हम लेफ्ट लेफ्ट ANG लेफ्ट एंगल LANG सेमीकॉलन लिखेंगे। आप देख सकते हैं कि जो एरर रेड कलर की आ रही थी वो रिमूव हो गई है। फिर सेव किया और रिफ्रेश करेंगे, थोड़ा सा बिहेवियर चेंज हुआ। आप देख सकते हैं अब उसने उसको लेफ्ट एंगल ही यूज़ किया है। इस तरह जो रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं उनको हम एम परसेंट के निशान के साथ ही शुरू करते हैं। मिसाल के तौर अगर हम कोड में जाएं लास्ट पैराग्राफ के अंदर आप देखें रहा हूँ तो ये एम परसेंट का निशान है जो उसने रेड कलर का शो किया हुआ है, स्टिल ये एक एरर की वजह से शो किया हुआ है कि ये एरर है। इसको भी करने के लिए हम दोबारा इसी के साथ एम्पर्स का निशान, एंटिटी का नेम जो है AMP एम्परसेंड सेमी कॉलन लिखेंगे तो एरर रिमूव हो जाएगी, आउटपुट पे ये प्रॉपरली रेंडर होगा, ये आउटपुट पे शो हो रहा है। इस तरह की एंटिटीज दो नहीं, चार नहीं, 10 नहीं, बल्कि हंड्रेड में हैं। इस तरह का आसान याद करना बहुत मुश्किल है, लिहाजा इसके लिए मैंने एक विकीपीडिया का लिंक दिया हुआ है, आप आउटपुट भी चेक कर सकते हैं। इसको क्लिक करें, अब थोड़ा सा पेज को स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपको वो सारी की सारी लिस्ट नज़र आएगी। मिसाल के तौर पर कोटेशन करेक्टर कैसे डालना है, एम्परसेंड का निशान डालें, किसी QUOT एंटिटी नेम लिखें, सेमी कॉलन लगाएं तो आपके आउटपुट पे कोटेशन का निशान आ जाएगा। या आप इनको रेंडर कर सकते हैं, उसमें भी मतलब का ढूंढ सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। मैं अपनी पे वापस जाता हूँ। आप देख सकते हैं कि आखिरी पैराग्राफ के अंदर लिखा है कॉपीराइट और ट्रेडमार्क, चाहता हूँ इनके लफ्ज़ की जगह इनकी जो अपनी सिंबल है उससे वो रिप्लेस हो जाए। क्या करूँगा, इस कॉपीराइट की जगह पे जाके M% कॉपी सेमी कॉलन M% ट्रेडमार्क ट्रेड आउटपुट पे देखते हैं तो आप ये देख सकते हैं आउटपुट पे आप ये देख सकते हैं कि आउटपुट पे कॉपी की जगह पे सी और ट्रेडमार्क का ट्रेडमार्क का निशान आ गया है। ये था कि किस तरह हमने जो रिजर्व कीवर्ड्स हैं उनको एम परसेंट के निशान के साथ यूज़ करना है। अब बारी आती है वाइट स्पेसेस की। हम एक दूसरी फाइल ओपन करते हैं जो कि आपको अवेलेबल होगी, सर्वर के वाइट स्पेस .htm। इसकी पहले आउटपुट देखते हैं, यह इसकी आउटपुट। अगर आप गौर करेंगे तो अगर मैं फॉर एग्जांपल ये पैराग्राफ ट्राई इट हेयर, मैं इधर ज़्यादा स्पेसेस देता हूँ,
सेव किया, आउटपुट देखी, स्विच करता हूँ, इधर कोई स्पेस नहीं आती, इधर एक स्पेस आती है, क्योंकि एक्स एच टी एम एल या डब्ल्यू थ्री सी के रूल्स हैं, एक्स एच टी एम एल या एच टी एम एल फाइव लिखें कि मल्टीपल स्पेसेस जब आएंगी उनमें से पहली स्पेस यूज़ होगी, अगली वो इग्नोर कर देगा, पहली स्पेस वो कंसिडर करेगा, अगली स्पेस वो इग्नोर कर देगा, क्योंकि वो ये समझता है सम टाइम मे बी कोड मशीन्स लिख रही होती हैं, सम टाइम कोड डेवलपर लिख रहे होते हैं जिनको कोड लिखने के सॉर्टिंग का नहीं पता होता, तो वो उन चीज़ों से बचने के लिए इसको ट्रैक आउट करता है, उसको क्या करता है कि वो पहली स्पेस को स्पेस कंसिडर करता है, बाकी स्पेस को स्पेस कंसिडर नहीं करता। अगर फिर भी हमने स्पेस देनी हो तो हम क्या करते हैं, इधर नॉन ब्रेकिंग स्पेस देते हैं, मिसाल के तौर पर एम परसेंट का निशान, वो भी एक रिजर्व एंटिटी है, एंड बी एस पी। अब अगर हम आउटपुट देखेंगे, हमें इधर एक स्पेस नज़र आ रही है, वाइट स्पेस बाई डिफॉल्ट एक स्पेस है, उसके ज़्यादा कोर स्पेस नज़र आ रही है। ये हर दफ़ा करना बहुत बुरी बात है, इसके लिए हम सी एस में इन फ्यूचर सीखेंगे किस तरह ये स्पेसिंग सी एस के जरिए कंट्रोल की जाती हैं। फॉर द टाइम बीइंग अगर मैं इसको कॉपी करके ज़्यादा दफ़ा पेस्ट करता हूँ, यू कैन से 1, 2, 3, 4, 5 टाइम आउटपुट पे उतनी स्पेस आ जाएगी, लेकिन ऐसा करना बहुत ही बुरी अप्रोच है। अगर आउटपुट पे एक चीज़ नोट करें, उस वक्त लिखा हुआ कंट्रोल पैराग्राफ आपको एंड पर नज़र आ रहा है, अगर मैं पेज को रीसाइज करता हूँ तो पैराग्राफ नीचे की रहे, कंट्रोल अभी ऊपर ही है और वापस आ गया। अगर मैं कंट्रोल पैराग्राफ के दरमियान इधर एक नॉन ब्रेकिंग स्पेस दे देता हूँ, एम परसेंट एन बी एस पी, इधर तक तो ये सेम है, जैसे मैं रिसाइज करूँगा कंट्रोल पैराग्राफ पूरे का पूरा नीचे गिर गया है, मतलब इसके दरमियान जो स्पेस थी वो नॉन ब्रेकेबल स्पेस है, उसने स्पेस को ब्रेक नहीं किया, उसने पूरे पूरे वर्ड को एज ए सिंगल वर्ड ट्रीट किया है। ये नुकसान है एन बी एस पी का कि वो नॉन ब्रेकेबल स्पेस है, वो सारे दिन दो वर्ड के दरमियान और उनको वो एक ही वर्ड बना देती है। इस चीज़ से बचने के लिए सी एस एस का सहारा लेना चाहिए, सी एस एस ये स्पेसेस देनी चाहिए। अब बात आती है इमेजेस की, इमेजेस डॉट एच टी एम एल। किसी भी कंटेंट के अंदर हमने इमेज कैसे लिखना है, एक इमेज किसी भी वेब पेज का ख़ास एक बुनियादी ख़ास और बड़ा ही अहम एलिमेंट है। हम लोग सब पेज भी देखने में बहुत सारे इमेजेस आ रहे होते हैं, इमेज को टैग को लिखने के बहुत ही सिंपल तरीका है, इमेज को टैग लिखने का बहुत ही सिंपल तरीका है। मिसाल के तौर पर पी के टैग के अंदर हम गए इमेज का सोर्स, इमेज का पाथ, उसकी विड्थ, उसकी हाइट, उसका ऑल टैग, ये इसके पैरामीटर्स हैं। बेसिकली इमेज एक ऐसा टैग है वो जो कंटेंट को फ्लो करने में ये बताता है कि इसकी जगह कुछ और चीज़ें रिप्लेस होनी है, क्या रिप्लेस होनी है वो सोर्स के अंदर मेंशन है, लिहाजा सोर्स को प्रॉपरली ठीक तरीके से लिखना है तो रिप्लेस होगा, अदरवाइज ये डाटा के फ्लो के अंदर डिस्टर्बेंस डिस्टॉर्शन पैदा कर सकता है। साथ तौर पर इसके आउटपुट देखते हैं, आप देख सकते हैं कि ये इमेज का टैग जो ये लगा था ये वो इमेज लोड हो गया हुआ है। इमेज का सोर्स कैसे गेट करना है, कैसे प्रॉपरली इसको लिखना है, एक बहुत ही गौरतलब और अहम बात है। अगर हम गलत पाथ लिख देंगे तो इमेज लोड नहीं होगा, उसकी जगह ब्लैंक हो जाएगी या लिखा जाएगा इमेज डॉट फाउंड समथिंग लाइक दैट। शायद उसका मैं स्पेलिंग गलत कर देता हूँ, आउटपुट पे इमेज लोड नहीं हुआ, मैंने वापस कर दिया स्पेलिंग, कंट्रोल जी कर दिया। इमेज का पाथ कैसे देना है, उसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि इमेज इस वक्त जिस डॉक्यूमेंट के अंदर कॉल हो रहा है वो डॉक्यूमेंट किस लोकेशन पे पड़ी हुई है। मिसाल के तौर पर अगर ये इमेज डॉट एच टी एम है तो ये इस वक्त आप फोल्डर को लोकेट कर सकते हैं, इमेज डॉट एच टी एम एल ये पड़ी हुई है, इसी के साथ ही इमेज का फोल्डर पड़ा हुआ है, जो कि ये इमेज का फोल्डर इमेज डॉट एच टी एम एल दोनों एक ही फोल्डर के अंदर हैं। लिहाजा हम सबसे पहले लिखेंगे कि लोकेट करो अंडरस्कोर इमेज का फोल्डर, इमेज के फोल्डर का हम इसको लोकेट करेगा,
गो टू इनसाइड, वो फिर इसके अंदर जाएगा, फिर उसके अंदर जाकर देखेगा लोअर कंट्री डॉट जे पी जी इमेज है कि नहीं है, उधर ही मिलेगा उसको, फिर उसको वो लोड करेगा और उधर दिखा देगा। विड्थ हाइट दो उसके पैरामीटर हैं, अगर आप, ये तो ऑप्शनल हैं, इसको आप अपनी इमेज को स्टेबल रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये कोशिश की जाए कि ये सी एस एस के ज़रिए ही दिए जाएँ, इनको एस्टिमेट के अंदर ना दिया जाए। ऑल्ट का टैग एक ऐसा टैग है जो ये बता रहा होता है इमेज की डिस्क्रिप्शन के बारे में, कुछ टेक्स्ट होते हैं, अगर इन केस आपका इमेज लोड नहीं होता तो उधर ये टेक्स्ट लिखा जाता है ताकि यूज़र को ये पता चल जाए कि ये इमेज आना था लेकिन वो किसी वजह से सर्वर से या किसी भी वजह से लोड नहीं हुआ। दूसरी बात, ये सर्च इंजन होते हैं वो ये टेक्स्ट रीड करते हैं, इस टेक्स्ट से वो इमेजेस को लोकेट करते हैं, उनको सर्च इंजन में लिस्ट अप करते हैं। एट द एंड हम कोशिश करते हैं एक नया इमेज ऐड करने की ताकि देख सके किस तरह इमेज ऐड किया जाता है। इमेज का टैग स्टार्ट किया और उसको पी के टैग के अंदर ही लिखते हैं, तो टैग स्टार्ट किया, सोर्स पॉज करेंगे, देखेंगे हम एचटीएमएल में खड़े हैं, इस वक्त एचटीएमएल में हैं, एचटीएमएल के साथ फोल्डर है अंडरस्कोर इमेजेस का, मैं इसका नाम लिखता हूँ अंडरस्कोर इमेजेस, उसके अंदर जाएंगे फॉरवर्ड स्लैश से, उसके अंदर देन इसका इमेज, ये वाला इमेज हम लोड करवाना है, इस इमेज का नाम लिखेंगे एस सी अंडरस्कोर फ्लैग डॉट पी एन जी, एस सी अंडरस्कोर फ्लैग डॉट पी एन जी। उसी तरह इसकी विड्थ हाइट के पैरामीटर्स दिए जाएंगे, ये 400 बाय 400 का है, इधर कोई पिक्सल की यूनिट्स, मिलियन यूनिट्स नहीं है, हालांकि ये पिक्सल में है लेकिन वो हम नहीं लिखेंगे। इस तरह ऑल्ट का टेक्स्ट जो कि बहुत ज़रूरी है, मैं लिख देता हूँ एस सी फ्लैग्स, ये मेरा टैग क्लोज हो गया। आउटपुट देखते हैं, ये इमेज के टैग के अंदर, पैराग्राफ के टैग के अंदर इमेज का टैग है और इमेज लोड हो गया। ये था किस तरह हम इमेज के टैग के अंदर इमेज यूज़ करते हैं।